today's video I'm going to do what did I pack for my friend's wedding. So इस video में सब कुछ आपको दिखाऊंगी जो मैं अपनी friend की wedding में लेकर बैकपैक विच आई कैरिड फॉर द वेडिंग काफ़ी ज़्यादा बल्की है एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें आपको बहुत सारा सामान आ जाता है एंड मैं इसका पूरा अच्छे से यूटिलाइज करती हूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट कंपार्टमेंट, सो दिस इज़ अ खाली पाउच। आई डोंट नो मैंने इसको खाली क्यों छोड़ा है। सो या दैट इज़ इन माई लास्ट कंपार्टमेंट और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। एंड अगर इस कंपार्टमेंट की बात करें तो इस वाले पाउच में मुझे पहले ब्लाउजेस दिख रहे हैं। सो दिस वॉज द वन विच आई वोर फॉर द वेडिंग डे एंड दिस आई वोर फॉर द संगीत। लेट मी जस्ट शो यू, ओपेंड इट एंड यहाँ पर मुझे एक और खाली पाउच दिख रहा है। एंड दीज आर माई फ्रेश लुक लेंसेज जो मैंने अपने यू नो आईज में यूज करे थे। अनदर पेयर, एक्चुअली आई गॉट टू पेयर्स बिकॉज मेरे लेफ्ट और राइट आई का जो नंबर है वो अलग है। सो मैं दो पेयर्स यहाँ पर लेती हूँ एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्लाउजेस को निकाल देती हूँ। सो ब्लाउजेस निकालने के बाद यहाँ पर मुझे एक ऐसे पॉली दिख रही है और इसमें मेरा काफ़ी कुछ कीमती सामान है। सो फर्स्ट थिंग विच आई कैन सी इज दिस ज्वेलरी सेट। दिस इज द वन आई गॉट फ्रॉम लाजपत नगर एंड आई वोर दिस ऑन द डे ऑफ कॉकटेल और संगीत। सो आई रियली लव्ड इट और मुझे ये बहुत ही सुंदर लगा जब मैंने इसको देखा। आई थिंक मैंने आपको अपने ब्लॉग में भी दिखाया था एंड या सो दिस लुक सो प्रिटी ऑन मी। नेक्स्ट थिंग विच आई कैन सी आर दीज बैंगल्स विच आई गॉट फ्रॉम डेली इटसेल्फ। बहुत ही सुंदर बैंगल्स है ये एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं और मेरी मम्मी दोनों इन बैंगल्स को लेने गए थे एंड मेरी जो ज्वेलरी की थीम थी ना वो ऐसे सिल्वर में थी बिकॉज माई आउटफिट सिल्वर के साथ जा रहा था इंस्टेड ऑफ गोल्डन। नेक्स्ट थिंग विच आई कैन सी आर दीज बिंदीज विच आई वोर टू द वेडिंग क्योंकि मेरा कोई भी लुक ना बिंदी के बिना कंप्लीट नहीं होता। सो सॉरी फॉर द खड़खड़। सो दीज आर द थ्री बिंदीज। ब्यूटिफुल रिंग विच आई अगेन गॉट फ्रॉम डेली इटसेल्फ एंड अगर मैं आपको मार्केट का नाम बताऊँ सो दिस वॉज एट द लोकेशन मधु विहार। आई रियली लव देयर ज्वेलरी। बहुत ही अच्छा ज्वेलरी वहाँ पर आपको मिलता है एंड दिस वॉज सो अफोर्डेबल। आई थिंक आई गॉट दिस, मतलब मैं अफोर्डेबल तो नहीं कहूँगी, आई गॉट दिस फॉर आई थिंक 350 bucks एंड आई रियली लव ड्यूरिंग दिस। यहाँ पर मुझे एक पानी की बॉटल मिल रही है जो मैंने आधी छोड़ रखी है। पानी मैं काफ़ी कम पीती हूँ। द नेक्स्ट थिंग विच आई कैन सी इज माई सेकेंड मेकअप किट। सो आई गॉट दीज पाउचेस फ्रॉम Amazon। बहुत ही ज़्यादा हैंडी रहता है, आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो। आई गॉट दिस इन द सेट ऑफ लाइक 6 पाउचेस, बहुत ही ज़्यादा हैंडी रहते हैं। सो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक ऑफ दीज पाउचेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेक इट आउट। तो मैंने इसको खोल दिया है एंड द फर्स्ट थिंग विच आई कैन सी आर दीज पैक के मेकअप ब्लेंडर। आई यूज दीज मेकअप ब्लेंडर फॉर माई एंटायर मेकअप लुक्स एंड आई रियली लव इट। मैं आपको ये कई बार दिखा चुकी हूँ अपने मेकअप वीडियोज़ में। सेकेंड थिंग विच आई कैन सी आर दीज लैशेज। इनको मैंने ना मेकअप रिमूवर को यूज़ कर करके ख़राब कर दिया है। बहुत ही अच्छे से अपनी लैशेस पर लैश ग्लू लगाया था और जब इनको छुटाने का टाइम आया ना तो ये बिल्कुल नहीं निकल रही थी, बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। सो आई यूज सम मेकअप रिमूवर और मैंने उससे अपनी आईलैशेस को बिल्कुल वेट कर दिया था और अब इनकी हालत ऐसी हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी काम की भी है। सो नेक्स्ट थिंग आई कैरी दिस बीबी क्रीम विद मी। आई डिड नॉट यूज इट बट आई रियली लव इट। दिस इज द स्विस ब्यूटी का शाइनी पर्ल वाटर ड्रॉप ब्लेमिश बाम बीबी फाउंडेशन। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छा लुक आता है एंड आई एम इन दी शेड 01। नेक्स्ट थिंग विच आई टुक विद मी आर दीज मेकअप ब्रशेज। ये मेरा ना पूरा मेकअप ब्रशेज का बैग है। दिस इज द रूफा ब्यूटी RV26। ये सारे ब्रशेज मुझे अभी क्लीन करने हैं। एक यहाँ पर मुझे कॉटन दिख रही है, द फेस इज कैनेडा का लिपस्टिक विच आई यूज ऑन द वेडिंग डे। दिस इज इन द शेड मैग्निफिशियो रेड 01 एंड दिस इज सच अ कम्फर्टेबल लिपस्टिक। दिस इज द लिपस्टिक विच आई कैरीड विद मी। दिस इज फ्रॉम पैक स्वीट सेंसेशनल लिप क्रीम एंड दिस इज इन द शेड इज अ स्ले 08। उसके बाद एक और लिपस्टिक मुझे यहाँ पर दिख रही है, सो आई ऑल्सो यूज दिस ऑन द वेडिंग डे। दिस इज द मेबलिन का वाइनल इंक लिपस्टिक एंड दिस इज इन द शेड 10 लिपी। दिस इज अगेन अ ब्लश ब्रश जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ, यू कैन सी हाउ मच आई यूज दिस। एंड दिस इज अ रूफा ब्यूटी RV22 ब्लश ब्रश। दिस इज अ मस्ट हैव ब्रश इफ यू लाइक अप्लाइंग ब्लशेज। प्रो आर्टिका PE22
आई शेडो ब्लेंडर ब्रश, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये ब्रश है। नेक्स्ट थिंग इज दिस लिपस्टिक, दिस इज माई फेवरेट न्यूड नुआंस लिपस्टिक फ्रॉम मेबेलिन, अ मस्ट हैव लिपस्टिक इफ यू डोंट नो। नेक्स्ट थिंग दिस इज अ कॉन्टोर ब्रश फ्रॉम रूफा ब्यूटी, दिस इज द RB21 ब्रश, दिस इज अ हाईलाइटर ब्रश अगेन फ्रॉम रूफा ब्यूटी, दिस इज द RB20 ब्रश, दिस इज सच अ नाइस ब्रश। मैं अपना सारा हाईलाइटर इसी से लगाती हूँ, हाईलाइटर अभी इसमें झड़ भी रहा है, सो आई नीड टू वॉश ऑल माई ब्रशेज। ओके, सो अपने पिटारे से मुझे और ब्रशेज यहाँ पर दिख रहे हैं। दिस इज द पैक का 106 ब्रश, दिस इज द प्रोआटे का A24 ब्रश, आई यूज टू ब्लेंड ऑल माई आई शेडोज, दिस इज अ लिप लाइनर, दिस इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड एंड दिस इज इन द शेड चेस्टनट। सो दिस ब्रश इज अगेन फ्रॉम पैक एंड दिस इज द 383 ब्रश, आई यूज टू स्मोक आउट माई लोअर लैश लाइन विद दिस ब्रश और टू अप्लाई ग्लिटर आई शेडोज। नेक्स्ट थिंग विच आई कैन सी इज अगेन अ लिपस्टिक, दिस इज फ्रॉम पैक, दिस इज द रेट्रो मैट ग्लॉस lipstick and this is in the shade 70 amber stone, I really love it, gives such a nude look to your lips. Next thing which I can see is a brush, this is the pack ka 042 brush, this is such a nice pencil brush, this is again a blending brush, this is from Pro Arte, this is the A25 eyeshadow blending brush, this is a again a lower line blender brush, this is the pack का 171 brush, I really love it, मैं अपने सारे brushes को बहुत ज़्यादा प्यार देती हूँ। This is the Pro Arte PE23 brush, this is मतलब आपको अगर छोटे एरिया को थोड़ा ब्लेंड आउट करना हो सो आप इसको उस टाइम यूज़ कर सकते हो। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। सो मेरा मेकअप पाउच हो गया है खाली, सो या दिस वॉज माई सेकेंड मेकअप पाउच। द थर्ड And last makeup pouch is this. So I got this makeup pouch from Miniso. I have already told you. अगर इसको हम खोलें तो इस मेकअप पाउच को मैं रोज़ यूज़ करती थी, मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा हैंडी वाला पाउच है, इसमें बहुत ही मिनिमल मेकअप है, मतलब जब आपको बस थोड़ा बाहर जाना हो तब मैं ये वाला मेकअप यूज़ करती हूँ। सो फर्स्ट थिंग विच आई कैन सी इज दिस CC क्रीम, दिस इज द लैक्मे 925 CC क्रीम एंड आई एम इन दी शेड 01 बेज। बहुत ही ज़्यादा अच्छी CC क्रीम है ये एंड आई रियली लव इट। नेक्स्ट थिंग इज़ माई लिप बाम, आई कैन नॉट डू विदाउट माई लिप बाम्स, आई नीड लिप बाम्स फॉर माई लाइफ। एंड अगेन कुछ लिपस्टिक्स हैं यहाँ पर, दिस इज द मेबेलिन का 671 हीटेड पिंक लिपस्टिक, दिस इज द KY कैटरीना थ्रिलर लिपस्टिक, मुझे लगता है लिपस्टिक्स ही लिपस्टिक्स हैं यहाँ पर, दिस इज द 695 डिवाइन वाइन लिपस्टिक, दिस इज द मेबेलिन का सुपर स्टे मैटिंग लिपस्टिक, आई यूज दिस ऑन द डे ऑफ हल्दी एंड दिस इज द 120 आर्टिस्ट वेरियंट, दिस इज द परफ्यूम विच आई कैरीड एंड आई यूज फॉर ऑल माई फंक्शंस एंड दिस इज द रेने का ब्लूम परफ्यूम, दिस इज आर EDP बाय द वे। नेक्स्ट लिपस्टिक विच आई कैन सी इज दिस न्यूड नुआंस, दो न्यूड नुआंस कहाँ से हो गए, so I'm sorry, this was nude embrace and this is nude nuance which I used and काफ़ी ज़्यादा similar लगते हैं इनके shades, so I got confused. Next thing which I can see is this eyebrow pencil, so this is the Etude House eyebrow pencil, then this is the K Beauty का काजल, this is in the variant blue. Next thing which I can see is this lipstick again, this is the Lakme 925 lipstick and this is in the shade I think क्या shade है, brownie point. Next thing is this rubber band and this is a sharpener which I use to sharp my eyeliners or lip liners. और हमारा पाउच हो गया है खाली, तो सबसे बड़े टास्क हमारे हो गए हैं ख़त्म। ओके, सो नेक्स्ट थिंग विच आई कैन सी इज दिस के ब्यूटी का फाउंडेशन, मैं इसको भी अपने साथ लेकर गई थी बट आई डिड नॉट यूज फाउंडेशन, मेरा CC क्रीम से और कंसीलर से ही काम हो गया था एंड दैट गेव मी अ फुल कवरेज। नेक्स्ट थिंग आर दिस थिंग विच आई कैन सी इज दिस नेस्ले का एवरी डे डेयरी क्रीमर, यू नो जब आप होटल में एंटर करते हो और आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं टू मेक योर कॉफ़ी और योर टी, इसको मेरी फ्रेंड ने मेरे बैग में डाल दिया था, बोली कि तू जब जाएगी ना इसको लेके जाना। सो या दिस इज द वन फेस क्रीम, दिस इज द फैब एसेंशियल्स फेस क्रीम, आई यूज दिस बिफोर माई मेकअप, बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन आपको इससे मिलता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ और सामान मिल रहा है, मुझे वैसे दिखाना तो नहीं चाहिए ये सब आपको। नेक्स्ट थिंग विच आई कैन सी इज अ सैनिटरी पैड, देन दिस इज द कलर बार का नेल पेंट रिमूवर, दिस इज नीविया का पर्ल एंड ब्यूटी डिओड्रेंट
एंड दिस इज अ नेल पेंट फ्रॉम मिनीसो जिसको मैंने कॉकटेल स्लैश संगीत पर यूज करा था। सो या गाइज दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी पैक विद मी वीडियो अच्छी लगी हो। आई रियली वॉन्टेड टू शोकेस वॉट ऑल आई गॉट बिकॉज ऐसे ही जस्ट मन करा सो मैंने आपको दिखा दिया। एंड काफ़ी ज़्यादा लगेज हमारे पास था बिकॉज यू नो लहंगा कैरी करना इज़ नॉट ईजी टास्क, बट मेरी और मेरी फ्रेंड दोनों साथ में गए थे सो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। एंड आई रियली रियली एन्जॉयड द वेडिंग। बहुत ही जल्दी आपको वेडिंग ब्लॉग्स भी मिलने वाले हैं इस चैनल पर, सो स्टे ट्यून एंड या सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक वॉचिंग माई वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट डाउन दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और फैमिली एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाई।